फ्रेंड एशिया ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड हम बता दें आपको कि हम जो ये वीडियो लेके आए हैं तो आप लोगों के हेल्प के लिए लेके आए हैं। कई बार क्या हुआ ना कि हम रिक्वायरमेंट शॉर्ट पे भी डाल देते हैं, अब क्या है ना कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता, टाइम मिलता है तो हम रिक्वायरमेंट वीडियो में लेके आते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण हम जो है शॉर्ट वीडियो बना के ही रिक्वायरमेंट डाल देते हैं। सो फ्रेंड आज एक चीज़ आपको ज़रूरी चीज़ बताना ये था कि कई लड़का रिक्वायरमेंट जो हम डालें तो कई लड़का आया, कंपनी में गया भी, लेकिन कंपनी में जाने के बाद एक सप्ताह रहने के बाद वो क्या हुआ कि भाग गया कंपनी से। सो ऐसा क्या होता ना कि देखिए कई बार क्या होता है कि लड़का लोग जब कभी बाहर नहीं जाता है, फर्स्ट टाइम जब बाहर जाता है तो उसको ऐसे ही मन नहीं लगता है। और दूसरा बात ये है कि अगर आप मान लीजिए कि ना गए भी तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन ही ऐसा लाइन है कि लड़का लोगों को मन नहीं लगता है। सो आप कई बार अगर आप आइए, ऐसा नहीं है, काम सीखिए आप, लेकिन मन बना के निकलिए कि भाई हमको काम सीख के ही आना है। ऐसा नहीं कि फ्री में रिक्वायरमेंट मिल रहा और जाके देख लेते इसमें क्या है। देखिए आप लोग आइए, ऐसा नहीं है, देख के भी जाइए, मेरा उससे कुछ नहीं होना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सेट लोग जो होता है ना कई बार कहता कैसा लड़का भेजा यार, उसके चक्कर में अच्छा बंदा छूट गया, उसको नहीं रख पाए और उससे नाम भी ख़राब होता है। सो आप लोग आने से पहले मन बना लीजिए। देखिए जब तक कष्ट नहीं सहिएगा तब तक आप लोग काम भी नहीं सीख सकते हैं। आपको उस्ताद का दो चार बात सुनना पड़ेगा, उस्ताद अगर आपका कल को कुछ उल्टा पुल्टा भी बोल दिया तो सहना पड़ेगा, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा भाई साहब। हाँ और एक चीज़ आपको बता दें कि आप आइए तो पूरे तरीके से जुनून में आइए, काम सीख के उसके बाद जाइए। 5-6 महीना वैसे भी लगता है और बहुत सारे लड़के तो अभी हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट वाले भी अब मेरे को कॉल करना चालू कर दिया, सर कि अगर आपका चैनल पता होता तो हम पहले आपके पास से ही जाते, सर मेरा जॉब लगा दो। अभी इंस्टीट्यूट वाले भी फलाना कह रहे हैं, धमाका कह रहे हैं, पैसा ये वो। तो देखिए जो भी लड़का है हम जैसे रिक्वायरमेंट डालते हैं आप मेरे को व्हाट्सअप कर दिया कीजिए। क्या होता ना कि दो लड़के का जहाँ पे ज़रूरत होता है तो जो पहले आता है उसी को जॉब दे देते हैं हम। सो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हम जैसे वीडियो डालें ताकि आपको आप तक पहुँचे सबसे पहले और आप देखें और हमें व्हाट्सअप करें और आपका नंबर लग जाए। सो फ्रेंड लाइक कीजिए इस चैनल को और चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ से जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए ताकि हर गरीब लड़के का हेल्प हो। देखिए हम भी कहाँ बैठे हुए हैं, देखिए हम भी नीचे में बैठे हुए हैं। सो इस लाइन में क्या होता ना कि उतना प्रोफेशनल लाइन नहीं है, लेकिन पैसा होने के कारण लोग यही सोचता कि भाई इस काम को सीख के हम गल्फ निकल जाएंगे तो थोड़ा बेहतर होगा और गल्फ में इससे अच्छा खासा सैलरी है। जैसे मोबाइल क्रेन का हो गया, आपका मोबाइल क्रेन का आपको 10-12 हज़ार रुपया यहाँ पे खिला पिला के देता है, हेल्पर ही में, ग्रेडर में भी वही देता है। और अगर आप मोबाइल क्रेन में अदर कंट्री जाते हैं जैसे, हाँ एक चीज़ और बताना था, कई बार लड़के लोग ये मेरे से पूछ रहे थे कि सर अदर कंट्री जाने के लिए क्या मेरे को सर्टिफिकेट बनाना पड़ता फलाना दिमाग। देखिए जब आप काम सीखिएगा जहाँ वहाँ की कंपनी आपको एक लेटर हेड देगी, जब आप काम सीख लीजिएगा तो उस लेटर हेड पे आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लीजिए और अपना लाइसेंस अप्लाई कर दीजिए। काम सीखने से पहले अपना लाइसेंस अप्लाई कर दीजिए ताकि जब आप काम सीख लें तब तक आपका लाइसेंस भी रेडी हो जाए, क्योंकि क्रेन का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या होता था कि हेवी लाइसेंस पे काम चल जाता था, लेकिन अब क्या ना मशीन, जोन मशीन चला रहे हैं उसका लाइसेंस होना मांगता है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट अदर बनाना पड़ेगा, बस आपको लेटर हेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो बनाना पड़ेगा और आपको क्रेन का लाइसेंस होना चाहिए और आपको चलाने के लिए आना चाहिए जो कि एक्सपर्ट बंदा हो। देखिए क्या है कि अगर आप 5 साल भी इंडिया में चला के जाइएगा तो गल्फ में आप फ्रेशर ही कहलाइएगा, और 2 साल भी चला के जाइएगा तो फ्रेशर ही कहलाइएगा फर्स्ट टाइम जब आप गल्फ जाएंगे तो। और यही है कि अगर आप 2 साल में काम सीख गए और फटाफट विदेश निकल गए, गल्फ कंट्री निकल गए, तो आपको क्या होगा कि है ना बेनिफिट मिलेगा ये कि आप जब 2 साल बाद वहाँ से आइएगा तो आप रिटर्नर कहलाइएगा। सो फ्रेंड लाइक कीजिए चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ से जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए ताकि हर गरीब लड़के का हेल्प हो। सो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।